हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐप है कि रेफर एंड अर्न में हम लोग को सिर्फ 5 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़ मिल जाता है, बट यहाँ पे धनी ऐप से हम लोग ने कुछ रेफर करते हैं तो उसमें से हम लोग को 200, 300 या फिर 1000 रुपीज़ तक भी अर्न हो सकता है, जो कि हमको कैशबैक मिल जाता है। सो अभी यहाँ पे पहले धनी ऐप में जस्ट एक्टिवेट करने से जो हमारा कैशबैक मिलने का था वो मिल जाता था, बट अब यहाँ पे कुछ रूल चेंज हो गया है। सो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना रहेगा सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, सो वीडियो पे बने रहिएगा। सो गाइस, उसके लिए आपको धनी ऐप में आना है। धनी ऐप को ओपन करने के बाद में होम पेज में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक बैनर भी मिल जाता है, यहाँ पे रेफर एंड अर्न 1000 पर रेफरल करके दिया है, उसमें क्लिक करके भी कर सकता है। यहाँ पे धनी दोस्त पर क्लिक करके भी कर सकता है, जैसा उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको एक पेज खुलेगा, यहाँ पे पूरा दिखेगा आपको, यहाँ पे मतलब आपको क्या क्या शेयर करने से आपको कितना कैशबैक मिलेगा, यहाँ पे एक पेज दिया है। सो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ इसका रूल चेंज हो गया वो आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, इसके लिए आपको यहाँ पे जस्ट अगर आपने जो फ्री कैशबैक कार्ड है इसको अगर आपने किसी को रेफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पे जस्ट इसको रेफ़र करने के लिए यहाँ पे रेफ़र नाउ पर क्लिक करना है। याद रहेगा आपको प्ले स्टोर में जो धनी ऐप होता है उसका लिंक शेयर नहीं करना है, आपको यहाँ पे आकर ये रेफ़र एंड अर्न पर क्लिक करके शेयर करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका लिंक शो होता है, यहाँ पर शो, यहाँ पर व्हाट्सअप, ट्विटर, यहाँ पर किस में शेयर करना है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट उस पर क्लिक करके ये लिंक को आपको शेयर करना है। सो उस लिंक से अगर एक्टिवेट कर देते तो पहले क्या था कि उस लिंक से जस्ट एक्टिवेट करते थे तो आपको कैशबैक मिल जाता था, बट अभी यहाँ पे कुछ रूल चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए 2% कैशबैक है। सो इसमें जो एक्टिवेट करने के बाद में इस कार्ड से जब इस कार्ड का एक बार यूज़ कर देते हैं, उन लोग ने कुछ लेन देन करता है, शॉपिंग करता है, कुछ भी इस कार्ड से यूज़ करते हैं तो तभी इसका कैशबैक मिल जाता है हमारे लिए। पहले जस्ट एक्टिवेट करने से मिलता था, बट अभी वो एक्टिवेट करने के बाद में इस कार्ड का भी एक बार यूज़ करना पड़ेगा उनको, अगर वो कार्ड का यूज़ कर देते हैं तो तभी इसका कैशबैक मिल जाता है। सो ये जो ये फ्री कैशबैक कार्ड है इसका कोई भी मंथली चार्ज कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री में है, इससे हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी यूज होता है इसका, कोई हिडन चार्ज नहीं है इसमें। सो इसका ये, और दूसरा यहाँ पर आपको धनी ऑन फ्रीडम जिसको रेफ़र कर दे दो हमारे लिए 1000 रुपीज़ मिल जाता है इसमें। सो इसमें भी कुछ रूल चेंज कर दिया, देख सकते हो अब यहाँ पे इसमें भी आपको इसको एक्टिवेट करने के बाद में इसका भी एक बार इस कार्ड से यूज़ करना है, जो भी यहाँ पे जो धनी ऑन फ्रीडम इसमें लिमिट मिल जाता है इसमें, और जो भी लिमिट मिलेगा इस कार्ड का सो उससे एक बार कुछ भी यूज़ करना है, यहाँ पर कुछ भी आपको लेन देन करना है, ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो सिर्फ फर्स्ट टाइम यहाँ पे बता रहा है अर्न फ्लैट 1000 फॉर ईच फ्रेंड हु मेक्स फर्स्ट ट्रांजेक्शन यूजिंग धनी ऑन फ्रीडम कार्ड। यहाँ पे जो धनी ऑन फ्रीडम कार्ड से एक बार कोई भी लेन देन कर देते तो आपका ये 1000 रुपीज़ कैशबैक मिल जाता है। पहले इमीडिएट मिलता था, अभी कुछ देर से दे रहा है। सो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो करना है कि क्या है कि जो इस लिंक को शेयर करने के बाद में जो लिंक एक बार क्लिक कर दे तो आपको फिर बैक आके फिर से उसको एक्टिव क्लिक करके नहीं करना है, एक बार क्लिक करके उस पेज पे धनी पेज में पहुंच गया तो उसी टाइम में आपको सब कुछ फिलअप करना है वहाँ पे। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपको एक्टिवेट कर दे तो एक बार आपको बैंक फिलअप करना रहता है, सो उसके बाद में एक्टिवेट हो जाता है। हम इसको बैक आता है फिर उस पर क्लिक करके जाते हैं तो ऐसा करेंगे तो ये कुछ नहीं मिलता है, जस्ट एक बार क्लिक किया तो उसी टाइम में इसका पूरा प्रोसेस करना होता है, और जो भी आपको कुछ लिमिट मिलना रहेगा तो वहाँ पे लिमिट मिल जाता है, यहाँ पे अप टू आपको 5 लाख तक मिल जाता है, 2500 से लेके 5 लाख तक के बीच में जो भी लिमिट आपका आपको मिल जाता है उसमें से एक बार आपको यूज करना है तभी इसका कैशबैक मिल जाता है। और यहाँ पे और इस कार्ड का यूज़ करते हैं तो 2% कैशबैक भी मिल जाता है इसमें। और यहाँ पे धनी सुपर सेवर कार्ड को एक्टिवेट कर देते तो इसका भी 300 रुपीज़ मिल जाता है, बट यहाँ पे ऐसा यूज़ करने का नहीं बता रहा है, जस्ट एक बार एक्टिवेट कर दिया तो इसका मिल जाता है, क्योंकि ये धनी सुपर सेवर
कार्ड जो है इसका एक्टिवेट करने के लिए फ्री में नहीं होता है, इसका चार्ज होता है, वो चार्ज के साथ में एक्टिवेट कर देता है, इसलिए यहाँ पे यूज़ करने के लिए नहीं बोला है। एक बार एक्टिवेट कर दिया तो इसका हो जाता है। सो इस तरह से इसमें रेफर एंड अर्न होता है। और जब इसका जब हमने हमारा फ्रेंड को इसको रेफर कर दे तो उन लोग ने एक्टिवेट कर दिया, तो यहाँ पे अर्निंग में जाना है आपको। यहाँ पे लास्ट वाला अर्निंग में जाएंगे तो यहाँ पे पूरा शो होता है आपको, आपका उनका नंबर पूरा शो होता है और वो एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से यहाँ पे शो हो जाता है। अगर उनका सक्सेसफुल एक्टिवेट हो गया आपका लिंक से तो आपको आपको यहाँ पे इस तरह से पे शो होता है, रजिस्टर करके आ जाएगा अगर एक्टिवेट हो गया तो। अगर नहीं हुआ, कुछ पेंडिंग हुए तो यहाँ पे एन ए करके लिख के आ जाएगा। अगर सक्सेसफुली हो गया तो आपको यहाँ पे ग्रीन में रजिस्टर करके आ जाएगा, उसके बाद में विद इन वन वीक में जो कैशबैक मिलना है मिल जाता है। हालांकि अभी इमीडिएट कैशबैक नहीं दे रहा है, बहुत लेट कर रहा है। सो अगर आपका एक्टिवेट होने के बाद में भी नहीं मिला है तो आपको धनी कस्टमर केयर को फ़ोन करना है या फिर मेल करना है। बहुत बार फ़ोन करेंगे मेल करेंगे तभी वो लोग सेंड कर देते हैं आपका कैशबैक। सो कुछ दिन का वेट करना होता है। सो इस तरह से इसका चेंज हो गया, पहले डायरेक्ट इसको एक्टिवेट कर देते तो मिल जाता था, बट अभी एक्टिवेट के साथ साथ में उस कार्ड का भी यूज़ करना है तभी ही हमारा कैशबैक मिल जाता है। ठीक है, यही था आज के लिए। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाला हमारा और वीडियो इसी तरह से आपको मिलते रहेगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।